मुजफ्फरनगर में कॉलोनी वासियों ने सड़क बनाने का विरोध किया और सड़क उखाड़ कर दोबारा से सही तरीके से निर्माण कराने को लेकर कॉलोनी वासियों ने दो दिन तक रुकवाया, जिसके बाद मौके पर एक्शन और ठेकेदार को बुलवाकर सड़क की स्थिति दिखाई। साथ ही जलभराव की समस्या पैदा होने के कारण सड़क का दोबारा से निर्माण कराने की मांग की। दरअसल मामला जाट कॉलोनी स्थित पंचशील कॉलोनी का है, जहां पर महावीर चौक से लेकर पंचशील कॉलोनी तक सड़क बन रही है, लेकिन कॉलोनी वासी इस सड़क को तोड़कर सही तरीके से निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं। दिनेश ठेकेदार की माने तो वो पुरानी सड़क पर ही माल डलवा कर नई सड़क का निर्माण करना चाहता है, लेकिन कॉलोनी वासियों का कहना है कि सड़क के ऊपर माल न डालकर पुरानी सड़क को तोड़कर दोबारा से बनाया जाए। सभासद नरेश चंद्र मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री निधि से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। बरसात के दिनों में लोगों की जलभराव की समस्या पैदा होती है, जिस कारण वे चाहते हैं कि इस सड़क को तोड़कर दोबारा से बनवाई जाए। ये सड़क बन रही है पंचशील कॉलोनी से महावीर चौक तक, तो इसमें हम लोगों ने सीधा सीधा योगी जी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी निधि से ये कार्य हो रहा है, उसी से हमने ये सैंक्शन कराया था इलेक्शन के समय पर, तो देरी होने के कारण ये अब शुरू हुई है। अब यहाँ पर ये जो जैसे ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर ही माल डाल जाए, सीसी डालें, तो विरोध है थोड़ा सा कि गहराई में हो जाएगी, तो और पानी यहाँ ऑलरेडी भरता है, तो इन लोग जो मोहल्ले वालों को कहना है कि इसको तोड़ करके इसके ऊपर तब सीसी डालें, और ये जो लोग ये चाह रहे हैं कि हम इसी के ऊपर सीसी डाल लें, इसका विरोध था। तो वो अब एक्शन साहब आए थे, जेई भी आए हैं, ठेकेदार भी आए, मोहल्ले वाले भी हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है हम दोबारा से इसका एस्टीमेट बना करके इसको जैसे मोहल्ले वाले कहेंगे उसी तरह से चलाओ। फिलहाल काम रोक दिया गया, फिलहाल रोक दिया दो दिन के लिए। सभासद ने कहा कि उसी के संबंध में एक्शन नीरज को बुलवा कर सड़क की स्थिति दिखाई गई है, जिसमें मोहल्ले वासियों की सहमति से एक्शन ने कहा कि दोबारा से सड़क का सीमेंटेड बनाकर निर्माण करा दिया जाएगा। वहीं एक्शन से जब रिपोर्टर ने बात करनी चाही तो वे कैमरे से बचते नजर आए।